वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, इस वक्त मैं शेरशाह में मौजूद हूँ, जो ऑटो पार्ट्स की दुकानें हैं वहाँ पर। तो जो सबसे बड़ी दुकान मुझे यहाँ पर नज़र आई है, जो काफ़ी माशाल्लाह से सामान रखा हुआ है इन्होंने, जो ऑटो पार्ट्स का सामान जो बाहर से आता है, जो इंपोर्ट करके आता है, जो कंटेनरों के जरिए आता है, जो कि जैसे एक्सीडेंट गाड़ी हो जाती है तो उनको जो है ना काट के जो है ना वो फिर दूसरी कंट्रीज में भेजते हैं, जिसकी वजह से वो पार्ट्स जो है ना यहाँ पर यूज़ के लिए लाए जाते हैं। तो जिसकी गाड़ी का एक्सीडेंट अल्लाह ना करे हो जाता है, तो वो सस्ता सामान लेने के लिए इस मार्केट का रुख करता है, और इस मार्केट में अगर आएँ तो वो इस दुकान पर आता है। यानी कि इस दुकान पर मैंने देखा है काफ़ी सारा सामान यहाँ पर मौजूद है। फ्रंट नोज पड़ी हुई हैं, बैकलाइटें पड़ी हुई हैं, हेडलाइटें पड़ी हुई हैं, बम्पर पड़े हुए हैं, शील्डें पड़ी हुई हैं, डैशबोर्ड पड़े हुए हैं, और स्टेयरिंग पड़े हुए हैं, काफ़ी सारा सामान पड़ा हुआ है यहाँ पर। तो इनसे हम थोड़ा सा पता भी करेंगे कि ये कहाँ से सामान आता है, और नए और पुराने में कितना फ़र्क होता है, कौन कौन सी गाड़ी का सामान है और किस कंट्री से आता है। तो इनसे सारी मालूमात लेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे आप। अच्छा, एक और बात बता दूँ दोस्तों कि इनसे मैं आपका आपको जो है ना फ़ोन नंबर भी लेके दूंगा, और फ़ोन नंबर में आप जो है ना इनको फ़ोन करके आप रेट भी ले सकते हैं, और प्लस इनसे डिलीवरी भी करवा सकते हैं। डिलीवरी चार्जेज ये खुद बता देंगे। जैसे अगर दूर का इलाका होगा, जैसे सुजुकी जाती है, तो वो मेरे ख्याल से अपने हिसाब से लेगी, कोई 300 लेती है, कोई 400, कोई 500, तो अपने हिसाब से जो है ना इलाके वाइज जो है ना वो डिलीवरी चार्जेस भी होगी। आपको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप फ़ोन करेंगे इनसे, व्हाट्सअप पे तस्वीर मंगवाएंगे कि मुझे ये चीज़ चाहिए, इसकी तस्वीर सेंड करें, वो दो तीन एंगल से तस्वीर खींच के आपको पार्ट्स की जो है ना भेजेंगे। आप ओके करेंगे और इनको जो है ना पैसे ऑन डिलीवरी पे देंगे, या जो भी ये खुद ही जो है ना बता देंगे कि कैसे पैसे देंगे। तो उस हिसाब से जो है ना आप इनको फ़ोन कर सकते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं सामान, गाड़ियों का जो फ्रंट बम्पर है, अभी मैं उस वक्त वो ये दिखा रहा हूँ, ये देखें। ये देख सकते हैं आप, हर किस्म की हेडलाइट, जो इम्पोर्टेड गाड़ी होती है उसकी हेडलाइट्स हैं, बैकलाइट्स हैं। अच्छा, करोला की भी हैं, होंडा की भी हैं, एवरी है, और जितनी भी आ रही है ना गाड़ियाँ नई, जो नई से नहीं आ रही है उनकी। अच्छा, डैशबोर्ड भी हैं, रेडिएटर भी, मैं आपको बता दूं दोस्तों के रेडिएटर भी हैं, हर चीज़ है, नोज़ कट भी पूरी मिलेगी यहाँ पर आपको। तो देखते हैं, अब इनसे ज़रा पता करते हैं, और थोड़ा सा फिर आपको अंदर से भी घुमा के दिखाते हैं कि इनके पास माशाल्लाह से क्या क्या सामान पड़ा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, ये बताएं कि कौन कौन सी गाड़ियों का सामान होता है आपके पास? सर, हमारे पास रिकंडीशन तमाम गाड़ियों का सामान होता है, जितनी भी चलनी है कराची में। कुछ नाम तो बताओ। जैसे मीरा हो गई, ड्यूट हो गए, विट हो गए, प्लाट्स हो गई, निशान मार्ट हो गई, रिंग रोड हो गई, या एफडी हो गई, या विट्स ले लें आप, मीरा ले लें, मिराज ले लें, जोग ले लें, मीसल ले लें, या माकटू ग्रैंडी ले लें, या आप और बहुत सारी गाड़ियाँ जिनके नाम मेरे याद नहीं है अभी, सब गाड़ियों का काम करते हैं रिकंडीशन। अच्छा, कौन CL9 हो गई, जैसे यानी कि फ्रंट का, बैक का, सब का काम करते हैं। जैसे हमारी नोज कट में ये कंप्लीट आती है, ये ऐसी कंप्लीट आती है। हाँ। तो जिसको जिस तरह चाहिए होता है उस तरह हम उसको दे देते हैं। अच्छा, किसी को अगर एक हेडलाइट चाहिए तो एक भी दे देते हैं, एक भी दे देते हैं खोल के। अच्छा, जोड़ी भी दे देते हैं। जी जी। तो ये वैसे आता किधर से सामान? जापान से। जापान से इंपोर्ट, और पाकिस्तान पोर्ट पे आता है। हाँ। पोर्ट से बेल ड्यूटी भरी जाती है, फिर हमारे गोदाम में आता है, फिर वहाँ से खोल के फिर हम यहाँ अपनी जगह पे लाते हैं। तो अच्छा, ये बताएं कि जो नया सामान होता है, जो बिल्कुल डब्बा पैक होता है सामान में, और ये जो यूज का सामान है, हालांकि अगर उसको जो नया लो उसको भी रन करता है बंदा, जो पुराना लो इसको भी रंग करता है, तो कितना फर्क है? अगर जेन्युइन सामान से मुकाबला करेंगे तो आधे से भी ज्यादा फर्क आता है। जैसे ताइवान सस्ता होता है, नॉन जेन्युइन के पैसों में हमें जेन्युइन पार्ट अवेलेबल हो जाता है, हम दे देते हैं। अब जैसे ये जेन्युइन एक लाइट एक बार 10,000 रुपये की है। हाँ। तो हम ये 5-4,500 रुपये में दे देते हैं। बस सिर्फ ये जैसे आती है वैसे ही आपने रखी होती है? जी जी। इसमें वो नहीं, ये जैसी आई है अभी ऐसी रखी हुई है, जहाँ सील्ड पैक है और काबिली कंडीशन में, जब किसी बंदे को चाहिए होती है तो हम ऊपर से एक बफ करा के पॉलिश करा के दे देते हैं उन्हें, और अगर कोई बम्पर शम्पर मरगाड़ है तो वो कलर हो जाता है, तो ब्रांड न्यू हो जाता है, बेदाग चीज़ होती है, डैमेज नहीं होता सामान, फ्रेश होता है, तो बोल्ट टू बोल्ट बदली हो जाता है, इसमें गाड़ी पकड़ में भी नहीं आती। अच्छा, ये अगर कोई आपको फ़ोन करे जी तो आप डिलीवरी भी करते हैं? जी जी देते हैं, मगर जो चार्जेस होते हैं उससे हमारा लिंक नहीं होता, जो चार्जेस होते हैं हम बता देते हैं भाई पहुंचने के लिए,
चीज पसंद नहीं है तो वो फिर भी रिटर्न हो जाता है। अच्छा, रिटर्न हो जाता है। दो तीन दिन में अगर कोई आपको मसला है तो आप रिटर्न कर दें। तो फोन नंबर दे सकते हैं, अगर फोन नंबर चला दूं तो मसला तो नहीं, क्योंकि फिर अगर फोन आएंगे तो फिर लोग आप बोलेंगे इतने फोन आ गए ये वो ना। नहीं नहीं, जहाँ तक हो सकेगा करेंगे हम। ऐसा ना हो कि आप फोन नंबर तो दे दे फिर आप जवाब देना ही बंद कर दें। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, कई लोगों के साथ हुआ, मेरे को हुआ है, बोलते यार आपने जो नंबर दिया फोन ही नहीं उठाते। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, कहने मतलब पूरी दुनिया को तो डील नहीं कर सकता, मगर जहाँ तक हो सकेगा मैं वहाँ तक डील कर दूंगा। फोन नंबर दे दे 03224152 78, व्हाट्सएप पे भी यही है। पहले अगर आपको अपनी गाड़ी का पहले तस्वीर भेज देंगे तो उससे आसानी रहेगी, वही मॉडल की चीज़ आपको मिले, ताकि और मेरे पास होगी मैं आपको व्हाट्सएप तस्वीर कर दूंगा, आप यस बोलोगे तो भेज दूंगा। चीज़ पसंद पहुंचने के बाद भी हो या ना हो, रिटर्न हो जाए मसला नहीं है, मगर कराया लाजमी देना पड़ता है, वो हमारा मार्केट के बंदे होते हैं, हमारा बंदा नहीं होता वो, बस ये बात होती है। चले दोस्तों, अभी इनसे दोबारा बात करते हैं, अगर जहन में मेरे सवाल आएगा तो मैं इनसे दोबारा सवाल करता हूँ। हर चीज़ होती है, बोनी मरघाट दरवाजे डिग्गी हर चीज़ होती है, जैसे आगे की नोज कट होती है वो तक, ये जैसे ये है आगे से एक्सीडेंट होती है, बहुत सारी चीज़ें ये नए में नहीं आती। चले मैं दो तीन चीज़ों के पूछ लेता हूँ। वैसे ही होंडा अकॉर्ड जो नई आई हुई है, जो पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, मैं तो गाड़ियों का काम करता था, छोड़ चुका हूँ, मुझे नहीं पता कौन सा क्या नाम होता है होंडा, इसकी बैकलाइट कितने की होगी सेट? देखिए अगर 2006-08 की बात करते हैं तो बैकलाइट उसकी एक मिलती है 5,000 रुपये। न्यू में या आपके पास? नहीं, जैसी होगी मगर यूज में आती है, यूज में आती है। आप नई के सामने उसको जैसे ऊपर से पॉलिश होती है उसके नई के सामने रख दे, एक जैसी लगेगी इंशाल्लाह। हाँ ठीक है दोस्तों, देखते हैं इनके। अच्छा, इसके अलावा पार्ट्स तो बताया आपने, लेकिन ये असेंबलियां वगैरह ये हर चीज है? हर चीज होती है। सस्पेंशन वगैरह का भी? सस्पेंशन का भी होता है, कैची शॉकर स्टीयरिंग बक्सा हो गया, ट्यूब हो गई या एक्सल हो गया, डिस्क क्लिपर हो गए, ये सब चीज़ें होती है, मगर ये यूज़ में आता है, ये थोड़ा सा यूज़ होता है। यूज में होता है। हाँ, तो गारंटी इसकी भी होती है, इस सामान की भी, वही चीज़ें चाहिए। जी जी जी, चलता हुआ आता है, मगर गारंटी देते हैं हम। और हमारे मार्केट में परेशान इमरान भाई। एक मिनट, एयरबॉक्स भी एयरबैग भी लगा हुआ है इस डैशबोर्ड। ये कौन सी गाड़ी का डैशबोर्ड है? ये 2012-15 का, 2012-15 का एयरबैग लगा हुआ है अभी तक। साबुत है? साबुत है, यानी कि खुला हुआ नहीं है, जब खुलता है एक्सीडेंट होता है तो ये जगह फट जाती है, ये यहाँ से फटती है, गुब्बारा निकलता है। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब वो मुंह को बचाती है। हाँ, फ्रंट पे बंदा ना जाके लगे तो। अच्छा, इसके डैशबोर्ड में अभी फिलहाल एक ही आया हुआ है या और आता है? एक ही, पूरे कोई भी गाड़ी हो उसमें एक ही एयरबैग आता है डैशबोर्ड। तो इसके इसके स्टीयरिंग में भी होगा ना? ये तो साइड का है, वो तो स्टीयरिंग बक्से में, स्टीयरिंग चक्के में लगा होता है ना। हाँ, वैसे अगर फ्रंट की बात करते हैं तो दो आते हैं, दो आते हैं, डैशबोर्ड में आता है एक चक्के में आता है, यानी कि दोनों जो फ्रंट पे बैठे होते हैं उनको बचाने के लिए। जी जी जी, एक लेफ्ट वाला और एक ड्राइविंग वाले बंदे के लिए वो स्टीयरिंग बक्से वाला एयरबैग बचाता है। सही दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी, मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।